कोरोना काल में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं और जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत बढ़ती महंगाई ने जनता की बची कुची उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। वहीं विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर सरकार से महंगाई कम करने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में CPIM शिमला शहरी कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की मांग की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि से जनता काफी परेशान है। वैसे ही कोरोना ने हजारों समस्याएं लोगों के समक्ष लाके खड़ी कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। 1 जून से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी को लेकर मंगलवार को CPIM शिमला शहरी कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से पेट्रोल व डीजल के दाम कम करने की मांग की। CPIM शिमला शहरी कमेटी के सचिव बलबीर पराशर ने कहा कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले कमजोर है, उन देशों में भी 45 से 50 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है और देश में 2 गुने दाम पर पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल की सीमा के साथ बसे लोग नेपाल जाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं, जो कि भारत देश के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे ही दयनीय है और केंद्र सरकार राहत देने की बजाय लोगों की हालत बद से बदतर करने पर उतारू है। आज हमारी पार्टी जो ये विरोध प्रदर्शन कर रही है DC कार्यालय के बाहर, ये इस बात को लेकर के कि जिस तरीके से हमारी केंद्र की मोदी सरकार के शह पर पिछली 1 जून से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, उस बात को लेकर के हम विरोध कर रहे हैं। और वैसे भी अगर हम किसी बात का जिक्र करते हैं तो देखिए, पेट्रोल और डीजल एक ऐसा साधन है जिससे हर व्यवस्था अपने साथ जुड़ी हुई है। आने वाले समय में डीजल की कीमतों में वृद्धि होने से यात्री किराए के अंदर वृद्धि होगी, माल भाड़े के अंदर वृद्धि होगी, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उछाल आएगा, महंगाई बढ़ेगी। और ये बात हम इसलिए भी कहना चाह रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया के अगर आंकड़ों पर भी गौर किया जाए, आज हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा मिल रहा है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिनमें नेपाल, भूटान, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है, बर्मा, बांग्लादेश, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान, वहाँ भी आज के मुकाबले में लगभग हिंदुस्तान की करेंसी के आधार पर 50 रुपया पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रति लीटर है, लेकिन हमारे देश के अंदर ये नहीं हो रहा है। तो हमारा ये कुल मानना है कि जो पहले पूर्व में जो वाजपेयी की सरकार भी रही है NDA की, उसने खुली छूट दी थी बड़ी कंपनियों को कि वो मार्केट के आधार पर रेट तय करे। और जो एक्साइज ड्यूटी भी अगर देखिए, जो हमारे देश के अंदर ली जाती है पेट्रोल और डीजल के अंदर 250 गुना जो है, 250% जो उसके एक्चुअल रेट है, उसके आधार पर जो है एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है। महामारी के दौरान जनता की आर्थिकी वैसे ही कमजोर हुई है और सरकार की कोई नीयत नहीं है कि वो पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण कर आम जनता को सुविधाएं प्रदान करे, जो उनका रोजगार खत्म हुआ है उसको बहाल करे, जो उनकी क्रय शक्ति खत्म हुई है उनको बढ़ाने का प्रयास करे। इसी बात को लेकर के हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।